I'm very close to all my mamus. अलग चीजें के लिए हम मैं अलग मामू के पास जाती हूँ My family has never ever ever put any expectations or any pressure on me. मुझे बस खुश रहना है वो उससे वो उन उस बात से उनको खुशी मिलती है हाई दिस इज अलीजे एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन मूवी टॉकीज हेलो एवरी वन दिस इज सिमरन वेलकमिंग अलीजे इन कन्वर्जेशन विद मी ऑन मूवी टॉकीज हेलो अलीजे हाई हाउ आर यू आई एम गुड ऑल गुड थैंक यू फॉर हैविंग मी वेलकम जस्ट uh, एक चीज़ है जो कि मुझे बहुत पसंद है आपकी योर नेम नेम लाइक हाउ अलीजे यस आई जस्ट लव योर तो जानना पसंद करेंगे कि क्या है मतलब उसका uh, तो अलग भाषा में मतलब अलग है mm -hmm. uh, जैसे आई थिंक उर्दू या अरबिक में जॉयफुल है mm -hmm. और पाय अरबिक में पायस है शायद mm -hmm. और इन अनदर लैंग्वेज इट मीनस जॉयफुल और फ्रेंच में मतलब है विंड हवा ट्रेड विंड okay, जो चलती pious. है तो बहुत सारे प्लेन्स uh, के नाम अलीजे है एक्चुअली okay. हाँ और आई uh, थिंक uh, uh, बहुत कॉमन भी है वहां पे नाम hmm. अलीजे तो घर पे सब ऐसे नाम से बुलाते नो no, सब लोग अली बुलाते हैं घर पे okay, बहुत कर रही है like, hmm. you know, आपकी performance ऐसा लगा नहीं कि इट्स योर फर्स्ट मूवी तो इतनी appreciation मिलने के बाद राइट नाउ आई डोट नो एक्चुअली मैंने अभी तक सब कुछ प्रोसेस नहीं किया है मैं वेट कर रही हूँ एक ब्रेक मिल जाएगा अच्छे से अल अल टेक सम टाइम ऑफ एंड जस्ट थिंक अबाउट एवरीथिंग मैंने सारे रिव्यूज़ नहीं पढ़े हैं okay. मैंने अभी भी बहुत कुछ रखा है यू yeah. नो you know, आराम से पढ़ने take के, time. के लिए एक्जैक्टली टेक टाइम एंड रीड एवरीथिंग प्रॉपर्ली बट मैं बहुत ओवरवेलम थी आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मैंने हर इंटरव्यू में बोला है बट आई वॉज एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आई वॉज ऑलवेज एक्सपेक्टिंग की डो नॉट हैव एन I mean, I say, I, I thought that expectations. That's the good. thing. Yeah, like and it. and you know, but I was not like expecting people to really like you know enjoy the performance so much. Of course, I'm really grateful. We did work really hard, and right. this you know, and and when when you work so hard, and when people see that, um, you know, even though my family is. ज प्रोड्यूस फिल्म फिल्म आई रियली नीडिड दैट वैलिडेशन मेरे लिए बहुत uh, जरूरी था हाँ नहीं आई रियली नीडिड दैट एंड इट वॉज अ बिग फॉर मे बहुत सेटल हो गई मैं कि लोगों को लगा नहीं की ये जबरदस्ती कास्टिंग हुई है right. मेरा बस वही कंसर्न था क्योंकि नहीं हुई जबरदस्ती कास्टिंग सोमेंद्र so सो बहुत क्रेडिबल है वो लेते ही नहीं वो किसी और को कास्ट कर लेते हैं इफ इट वॉज नॉट वर्किंग फॉर हिम जो मामों ने मजे से ब, ट्रेलर <laughs> लॉन्च में ब, बताया था नहीं क्योंकि सच था जब तक वो कन्विंस नहीं थे ही यू टू नॉट मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इशू जो रहता था जब तक वो कन्विंस नहीं थे वो आगे नहीं बढ़ते थे सो यू नो फॉर मी आई वॉज जस्ट लाइक यू नो सोमेंद्र सर का क्रेडिबिलिटी ना जाए यू you नो know, मेरे मेरे वजह से तो मैं बहुत आई वॉज रियली वार्ट बिकॉज बाकी के एक्टर्स बहुत अच्छे हैं एवरी वन वॉज सो गुड कि मुझे मुझे लेट डाउन नहीं करना था किसी को तो ये बहुत बड़ी कंसर्न थी मेरे लिए और जब फीडबैक बहुत पॉजिटिव आया जिन लोगों को भी मूवी ज़्यादा पसंद नहीं आया द स्टिल लाइक द परफॉर्मेंस इज अलॉट तो uh, बुरे रिव्यू में भी एक्टर्स को अच्छे, अच्छे रिव्यू मिली है तो दैट वॉज रियली गुड एंड दैट यू नो एज न्यू न्यू कमर्स दैट वॉज दैट्स एवरी थिंग टू अस क्योंकि बोलता नहीं है कुछ यू नो यू यू नीड मतलब कोई कुछ बोलता नहीं है आपको सॉरी वो यू यू नीड दैट वैलिडेशन कि आपके घर वाले बोलते हैं आपके दोस्त बोलते हैं यू डोंट बिलीव इट क्योंकि वो तो अच्छा ही अच्छा ही बोलेंगे या yeah. बट जब बाहर के लोग uh, बोलते हैं थर्ड पार्टी लोग जिसका कुछ पर्सनल कनेक्शन नहीं है आपसे yeah. कुछ कंसर्न नहीं है आपको क्या होता है आपको बुरा लगता है नहीं लगता है दे डोंट केयर तो फॉर दोज पीपल आई वेन दे गिव यू सच गुड फीडबैक देन यू फील कि अच्छा wow.

सोमेंद्र सर ने हमें बहुत बहुत वक्त दिया प्रेपरेशन के लिए बहुत ही एक बहुत बड़ी लग्जरी थी ये क्योंकि आपको इतना टाइम आपको सिर्फ आई थिंक अपनी फ़र्स्ट फिल्म में मिलती है ऐसी टाइम क्योंकि जब सर स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे तो तब भी हमारा वर्कशॉप चलता था मैं दिल्ली गई थी दिल्ली में वर्कशॉप कर रही थी मैं तो मुझे बहुत टाइम मिला कैरेक्टर के साथ जैसे आपने बोला घेरने uh, घेरने yeah. के लिए वो टाइम मिला मुझे बहुत एंड आई फेल्ट कनेक्शन टू द कैरेक्टर क्योंकि सर ने हमें uh, इतना स्क्रिप्ट के साथ वर्कशॉप करवाया इतना इंडिपेंडेंस uh, uh, दिया कैरेक्टर के साथ कि मैं बोल सकती थी सर को कि मुझे नहीं लगे लगता है कि वो बोलेगी ऐसे वो कुछ और बोलेगी तो सर yeah. पूछते थे, थे क्या बोलेगी फिर वो देन टू अलाउ अस टू चेंज द लाइन एंड वो ऐसे लाइक like, वो रिजिड नहीं थे बिल्कुल

एग्जैक्ट uh, डिरेक्शन नहीं देते थे हमें ही कैप्टैट ही नीडेड अस टू प्रिपेयर वेल इन द कैरेक्टर ताकि हम सर को बोल सकते थे कि कैरेक्टर ऐसे होगा ही गिव फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अस तो वो प्रेप टाइम सुमेंद्र सर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट मेक्स हिम अंडरस्टैंड हिज स्टोरी बेटर ऑल्सो सो वो बहुत दैट वॉज दैट दैट इज आई थिंक वाई लोगों को ऐसे लगता है कि यू नो जैसे आपने कहा कि फर्स्ट फिल्म

ये ऐसा हुआ कि यू you नो know, एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि लाइक like, सलमान सर की मूवी तो कभी ऐसा लगा रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी की मूवी को बहुत अच्छी करनी है uh, like कभी फैमिली से कभी भी नहीं लगा आई माई फैमिली इज एवर पुट एनी और एनी प्रेशर ऑन मी मुझे बस खुश रहना है वो उससे वो उन उस बात से उनको खुशी मिलती है कि अलीजे खुश है कि नहीं दैट्स ऑल दैट तो कभी मेरी फैमिली से प्रेशर नहीं आया बाहर से प्रेशर था okay. प्रमोशंस के टाइम में लगा थोड़ा yes. आ, वो जब या नर्वसनेस एक्चुअली मुझे तब तभी आने लगी जब फिल्म हमारे हाथों से थोड़ा धीरे धीरे जा जा रही थी तब मुझे नर्वसनेस आ रही थी बहुत बिकॉज उसके पहले फिल्म हमारी थी यू नो वीट वॉज इन आर हैंड्स ऑडियंस के पास नहीं गई थी उसके बाद हमारे कंट्रोल के बाहर गया तो दैट इज द टाइम आई बिट ऑफ प्रेशर बाहर के लोगों से बट कभी अपने फैमिली से ऑन सेट किसी को फर्क नहीं पड़ता था कौन प्रोड्यूसर है कौन ये हम, सी शॉट आया कि नहीं शॉट मिला कि नहीं, we 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 like, oh, you know, नहीं हुआ हम डे टू दैट हमने बॉन्डिंग आपकी सलमान सर के साथ लाइक देखी है अरबाज सर एंड सोहेल सर के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है वैसी और कुछ अलग नहीं वी आर ऑल वेरी क्लोज सेम बॉन्ड है एक्चुअली सोहेल मामू और मैं बहुत ही क्लोज है क्योंकि आई थिंक uh, वो सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं बच्चे के साथ सारे जो नीसेज नेफ्यूजेस ऑल so, मामू हमें बाहर लेके जाते हैं हमें okay. ट्रिप्स पे लेके जाते थे जब हम छोटे थे तो वी आर वेरी क्लोज टू हिम बट आई एम वेरी क्लोज टू ऑल माई मामोज अलग चीज़ें के लिए हम मैं अलग मामू के पास जाती हूँ यू नो आज इट डिपेंड्स ऑन जो सिचुएशन क्या है या डेन आई विल गो उस हिसाब से मैं उस मामू के पास जाऊँगी कि मुझे इसके ऊपर एडवाइस चाहिए या मैं क्या करूँ Uh, which director or actor you want to work with you wish to work with them uh, right i like meghna gulzar a lot okay. uh, i like uh, i mean obviously zoya akhtar is somebody that's, that it would be a dream come true to work with um, i really like uh, uh, there's a music video director uh, who we worked with Oh, for our Farray title Thank track, Deer, I loved working with him. I'd love to work with him again. I'm very open to, I'm not the specific hai, but uh, like one specific dream director. I just think it will depend on the project that I'm working in. Oh, who is your favorite actor or actress? My favorite actor, um, I really like Tabu a lot. Oh. I like Konkana Sen Sharma. I like Konkana Sen Sharma a lot. Um, i like uh, babel a lot uh, i'm really fond of babel's work i just at the top of my head jo main abhi uh, dekha hua hai. so yeah these are all the people that i'm like enjoying watching their work right now real women the maha, pe babel ko dekha, uh, i don't know all the actors names but Bombay, Meri mary jan jo yes. actors they're really good, good and it's a really amazing show अमेजिंग शो लास्ट टाइम मैं जब इंटरव्यूज करी थी आई वजिंग मतलब मैं खत्म करी थी और इंटरव्यूज देने के टाइम में फ्लैशिज शो के आ रहे थे कि क्या होने वाला है आई वॉन्ट टू गो एंड फिनिश द शो सो देट वॉज रियली गुड लॉट ऑफ न्यू एक्टर्स न्यू फेस टू बी इंटरेस्टेड इन एवरी डे आई थिंकल क्वालिटी Uh, he is very uh, generous and down to earth and actually he is very uh, he has a very soft side which lot of people don't get to see that okay. so I, that's my favorite uh, thing about him uh, last question ye ki hamari uh, jo audience hai unko uh, kya message देंगे आप जाओ फर्रे देखो जब तक theatre में है जाओ देखो okay. और जब OTT पे आएगी तो OTT भी देखो <laughs> <laughs> thank you Alizee thank you very lovely to talking thank to you, you thank so you so much thank you